हेलो गाइस, चलते हैं एक नए वीडियोस के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने बताया पहले, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी कोई भी प्राइवेट वेबसाइट या पर्सनल वेबसाइट है, उसको आप कैसे हाइड या फिर प्राइवेटली कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस वीडियो को ना देखें जो आप देखते हैं, या कोई ऐसी साइट है जो आपके पर्सनल, वो आपके बच्चे या कोई भी आपके फ्रेंड्स रिलेटेड आपके लैपटॉप जो यूज़ करते हैं वो नहीं देख पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे उस वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। सिर्फ आप ही देख सकते हैं उसको, आप ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्रेंड्स नोट पैड पर अपने। ठीक है, नोट पैड सर्च करेंगे यहाँ पे, नोट पैड। ये नोट पैड, इस पर क्लिक किया मैंने, इस पर रन एज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम, यस। ये नोट पैड का हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब इस फाइल पे जाएंगे, ओपन का ऑप्शन। ठीक है, इसमें हम सी ड्राइव सिलेक्ट करेंगे। सी में हमें विंडोज़ का एक ओपन मिलेगा। ठीक है, विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ के बाद हम जाएंगे नीचे सिस्टम 32, सर्च भी कर सकते हैं हम, ये रहा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर, ड्राइवर्स। ठीक है, तो ड्राइवर्स के बाद हमें मिलेगा ईटीसी। देखिए ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम नीचे आएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, इसमें हमें करना होगा ऑल्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए इसमें सब कुछ आ चुका है। अब हमें अपनी वेबसाइट ब्लॉक करनी है ताकि हमारे अलावा कोई देख ना सके। ठीक है, होस्ट पे जाएंगे। ठीक है, होस्ट पे जाएंगे। अब हम जो हमारी ये वेबसाइट है, जो ये आईपी एड्रेस आ रहा है, इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम स्पेस देंगे, हमें कोई भी, कौन सी हम ब्लॉक करनी है, जैसे www.com। facebook.com, मुझे फिर अपना फेसबुक करना है। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ मैं फेसबुक ओपन करके देखता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइट है नहीं ओपन हो रही है। ठीक है, वैसे हम सेम कोई भी अपनी जो भी आप पर्सनल करना चाहते हैं उसका यूआरएल आपको सिर्फ आईपी एड्रेस के आगे पेस्ट करना है। ठीक है, मान लो मुझे यूट्यूब करना है। ठीक है, तो मैं यूट्यूब इसको कॉपी करके भी वहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मुझे वेबसाइट पता तो मैं वेबसाइट भी डाल सकता हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे, तो फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया कि फेसबुक को मैंने ब्लॉक किया था, तो आप जैसे आपको अपनी वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप इस प्राइवेसी है जो आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से रिमूव करके इसको सेव कर देना है। देखिए मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब मैं अपना फेसबुक, देखिए फ्रेंड्स मेरा फेसबुक यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताएं कि कैसी, क्या आप और भी, आप हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, तो बने रहिए, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।